हेलो फ्रेंड्स, एसी अन्नपूर्णा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ चना चिली की रेसिपी, वो भी बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल में। काबुली चना के छोले और सब्जी आपने बहुत बार ट्राई की होगी, लेकिन इसे एक बार बना के जरूर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इस रेसिपी को हम लोग घर पर कैसे और कितनी आसानी से बना सके वो देखते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। चना चिली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप काबुली चना लिया है। इसे मैंने रात भर पानी में भिगो करके रखा था जिससे कि ये फूल गए हैं। अब इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे, उसके बाद पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम हाई करके इसे 3 से 4 सीटी आने तक बॉयल करेंगे। तो काबुली चना यहाँ पर बॉयल हो चुका है और इसके सारे पानी मैंने छान कर पहले ही हटा लिए हैं। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1.5 चम्मच मैदा लिया है और लास्ट में इसमें अब हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि बॉईल करते वक्त भी हमने नमक का यूज किया था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कम यूज करेंगे। अच्छे से मिला देंगे। जरूरत लगे तो कॉर्नफ्लावर और मैदा यहाँ पर आप थोड़ा और यूज कर सकते हैं। चना जो है अच्छे से कोट हो चुका है, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल को डाल दिया है। तेल के गर्म होते ही इसमें चना को डाल देंगे। चना फ्राई करने के लिए तेल ज्यादा गर्म चाहिए, इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम या फिर हाई रखिए। इसे डीप फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक चना जो है बाहर से क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये देखिए, चना जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसी तरह से बाकी चने को भी हम फ्राई कर लेंगे। सारे चना यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी चना बनकर अब तैयार है। अब हम सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। अब इन्हीं सारी वेजिटेबल से हम सॉस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पैन में मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है। सबसे पहले यहाँ पर लहसुन और अदरक को डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें सारे वेजिटेबल्स हम डाल देंगे। प्याज के साथ साथ इसमें अब हम शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर और लास्ट में हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छे से मिला दे और यहाँ पर हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। सब्जियाँ जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 चम्मच सोया सॉस डाला है, 1 चम्मच चिली सॉस, 2 से 3 चम्मच टोमेटो सॉस, टोमेटो सॉस थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, 1.5 चम्मच सेजवान सॉस, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब लास्ट में इसमें हम 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पर थोड़ा कम यूज़ करेंगे क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर का बैटर डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर का बैटर बनाने के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 4-5 चम्मच पानी ऐड करके उसे अच्छे से मिला देंगे। कॉर्नफ्लावर का बैटर इसलिए डाला जाता है ताकि सॉसेज जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ी देर बाद इसमें हम फ्राई किया हुआ चना को डाल देंगे और गैस का फ्लेम हाई या फिर मीडियम रखकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें ज्यादा देरी तक इसे नहीं पकाना है। तो ये देखिए कितना मस्त ये बनकर अब तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। क्रिस्पी चना चिली अब बनकर तैयार है। तो है ना कितना आसान इसे बनाना, बिल्कुल चाइनीज स्टाइल में। आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपीज में। अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।